नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकेट। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड मैप सीरीज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैप जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो वहाँ तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर आप रह रहे हैं इस अर्थ पे तो आपको पता होना चाहिए कि मैप पे कौन सी जगह कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। तो आज ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको ये पूरा वर्ल्ड मैप के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं एशिया की बात करूंगा, फिर यूरोप पे जाऊंगा, फिर अफ्रीका पे जाऊंगा, फिर साउथ अमेरिका पे जाऊंगा, फिर नॉर्थ अमेरिका पे जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो हम डिस्कस करेंगे, और उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज हैं या कौन सी नदियां वहां पर हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, कौन सी और भी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कोई वॉल्केनोज हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में अपने जो व्यूज़ हैं वो भी ज़रूर हमें बताएं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले अगर हम बात करें, जो हमारी अर्थ है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, और दूसरे हैं ओशियन। ये जो नीला वाला पोर्शन है ये सब हमारा है, ये ओशियंस है हमारे, जहाँ पानी ही पानी है, और ये लैंड वाला एरिया है। बाकी का लैंड वाले एरिया को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, हिंदी में जिसे महाद्वीप कहते हैं, और ओशियंस को हम कहते हैं महासागर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे, और उनमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर उसके बाद अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो वो अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट साउथ अमेरिका, फिफ्थ लार्जेस्ट जो है वो एंटार्क्टिका, ये नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और सिक्स लार्जेस्ट की बात करें तो यूरोप, सेवन्थ लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ऑन अदर हैंड जब ओशियंस की बात की जाती है तो 5 ओशियंस हैं हमारे। ये पहला देखिए, दिस इज पैसिफिक ओशियन, क्योंकि अर्थ जो है वो क्या है, गोल है। तो ये इधर का पैसिफिक ओशियन, ये वाला पोर्शन, और इधर भी पैसिफिक ओशियन है, ठीक है दोस्तों। और पैसिफिक ओशियन को हिंदी में हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए एस शेप बनाता है, जो इसको बोलते हैं हम अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। और उसके अलावा ये है हमारा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ऊपर हमारा हो गया आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, और नीचे ये है सदर्न ओशियन। इसको कुछ लोग अंटार्कटिक ओशियन भी कह देते हैं, लेकिन इसको मेनली सदर्न ओशियन कहा जाता है। तो ये तो हुई कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की बात। दोस्तों, अब थोड़ा इनकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है और ये कैसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम एशिया की बात कर लेते हैं। एशिया में अगर सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो ये रशिया है, और अगर बड़े देशों की बात कर लें हम तो चाइना हो गया, और ये हमारा प्यारा भारत। तो ये 3 एक तरह से मुख्य देश हैं एशिया के। और अगर हम इसमें रशिया की बात करें, रशिया एक ऐसी कंट्री है जो एशिया का भी पार्ट है। ये देखिए, इतना यहाँ तक ये रशिया एशिया का पार्ट है इस जगह पे, और इधर यहाँ तक कुछ इस तरह ये यूरोप का भी पार्ट है। तो इनका सेपरेशन जो होता है यहाँ पर, एक माउंटेन्स है जिनको यूराल माउंटेन्स कहा जाता है, वो एज अ बाउंड्री काम करते हैं एशिया और यूरोप के बीच में। और आगे अगर हम देखें तो ये पूरा ये रशिया है यहाँ तक, और अगर इस पोर्शन की अगर हम बात करें, इसको हम कैस्पियन सी कहते हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको ब्लैक सी कहा जाता है, और फिर ये वाला पोर्शन है इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं हम। और अगर एशिया और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर स्विस कैनाल है इस जगह पर, तो वो एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करती है। और इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो अफ्रीका का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है, और इनके बीच में जो सेपरेशन का काम करती है वो स्विस कैनाल है। और अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है अल्जीरिया, और ये जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका से अलग दिखाई देता है, लेकिन अगर कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। तो अब नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जो है इसमें 3 मेन कंट्रीज हैं, कनाडा, और ये जो इतना पोर्शन है ये, और ये आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसए का ही पार्ट ये भी है, इतना जो पोर्शन है जिसको अलास्का कहते हैं हम, और नीचे ये मैक्सिको।
और अगर सबसे बड़ी कंट्री की बात करें हम नॉर्थ अमेरिका की, तो वो है कनाडा। कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका। ऊपर ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ग्रीनलैंड, ये पार्ट है डेनमार्क का। डेनमार्क यूरोप में है, और ये लेकिन ये जो लैंड पोर्शन है ये वाला, ये डेनमार्क के अंडर में आता है ग्रीनलैंड का। अब नॉर्थ अमेरिका से हम साउथ अमेरिका में आए हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की बाउंड्री क्या है। तो यहाँ पर एक जगह है पनामा, और पनामा के बीचों बीच एक कैनाल पड़ती है जिसको पनामा कैनाल कहते हैं। तो पनामा कैनाल सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। और साउथ अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है ब्राजील, और अगर मेन कंट्रीज की बात कर ले तो अर्जेंटीना भी एक काफी बड़ा पोर्शन है साउथ अमेरिका में, और इधर ये वाला पोर्शन ये चाइल चाइल हो जाता है यहाँ पे। अब हम लास्ट कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और इधर ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। और अगर इधर की बात करें तो ये है पपुआ न्यू गिनिया, और ये है पपुआ, और पपुआ जो है वो इधर इंडोनेशिया का पार्ट है। और ये जो टोटल एरिया है ये ऑस्ट्रेलिया के अंडर में आता है। और आपने कभी कभी एक टर्म सुनी होगी जिसको हम ओहिनिया बोलते हैं। तो ओहिनिया हम इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं जिसके अंडर में ये ऑस्ट्रेलिया, पपुआ पपुआ न्यू गिनिया और न्यूजीलैंड वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा कवर हो जाता है, और ये छोटे छोटे जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं, तो ये पूरा मिलके ओशिनिया बनता है। तो काफ़ी लोग ओशिनिया को भी एक कॉन्टिनेंट कह देते हैं, तो ये एक तरह का कन्फ्यूजन बना रहता है लोगों में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक पर्टिकुलरली एक कॉन्टिनेंट है, और ओशिनिया ये जो है ये पूरे रीजन को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको ओशिनिया कहते हैं। दोस्तों लास्ट में आपसे कुछ और डिस्कस करना था, और वो ये है कि अर्थ में डिफरेंट लोकेशन को लोकेट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं कुछ इस तरीके से वर्टिकली, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, और कुछ लाइनें इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं हॉरिजॉन्टली, जिसे हम जिन्हें हम कहते हैं लेटिट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स का फायदा ये होता है कि इनकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन को जान सकते हैं कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस लोकेशन को आपको जानना है तो ये एक लैटिट्यूड है और ये एक लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ये जगह इस कोऑर्डिनेट पे पड़ती है। दोस्तों अगर लैटिट्यूड्स देखें तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। उनमें से पहला है जो अर्थ के बीचों बीच से लाइन पास होती है, इस लैटिट्यूड को हम कहते हैं इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री कहा जाता है। और अगर इक्वेटर की अगर बात करें तो यू कैन सी ये साउथ अमेरिका से पास होती है, फिर उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होती है, और उसके बाद एशिया में ये इंडोनेशिया वाले ये रीजन से पास होती है। इसके अलावा जो बाकी के दो लैटिट्यूड्स हैं वो हैं, एक ये है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहते हैं 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड में है इसीलिए। और अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका से पास हो रही है, फिर उसके बाद अफ्रीका से पास हो रही है, फिर उसके बाद एशिया में, और एशिया में पर्टिकुलरली इंडिया से ये भी ये पास हो रही है। और दोस्तों अगर आपको ये देखना हो कि कौन कौन से इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको डिटेल में बताया भी है मैंने, और साथ में ही मैंने एक ट्रिक भी बताई है कि आपको ये कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तीसरा लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ, और ये यू कैन सी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से पास होती है, फिर उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होती है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से पास होती है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों लाइनें पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और दोस्तों मैंने उन पे भी वीडियोज़ बना रखी हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कौन कौन सी कंट्रीज से पास ऑन होती है, ऐसे ही इक्वेटर जो है ये कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है, और साथ ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है। तो आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन सी, और बहुत ही आसान तरीके से बताया हुआ है ट्रिक के साथ, तो आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे कि हम कहते हैं, ये यहाँ पर इंग्लैंड में एक जगह है जिसको ग्रीनविच कहते हैं, वहाँ से पास ऑन होती है, और ग्रीनविच के ही अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया वर्ल्ड के बारे में। ये वीडियो कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं थी, बट जो आने वाली वीडियोज़ हैं जिसमें हम पूरा का पूरा वर्ल्ड कवर करेंगे वो आपकी मेन वीडियोज़ होंगी,
जिसमें हम बहुत डिटेल्स में चीज़ों को देखेंगे, और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम पूरा का पूरा एशिया देखेंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें। जो भी आपके सजेशन हैं प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। और अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।